नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान। ये हाउस प्लान ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है दोस्तों। यहाँ पे हाउस प्लान के लेफ्ट साइड में एक रोड है और सामने से यहाँ से जहाँ से हम प्रवेश करेंगे वो पूर्व दिशा की तरफ से हम प्रवेश करेंगे इस हाउस प्लान में। ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के लिए आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन सेम रहेगा दोस्तों। मैं इसका एस्टीमेट भी इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉल की। तो हॉल का जो साइज है करीब 10 बाय 9 फीट का है, मतलब 10 फीट यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और 9 फीट 8 इंच यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद छोटा हमने किचन प्रोवाइड किया है जिसका साइज है 8 बाय 8 फीट का। और उसके बाद यहाँ पे एक पूजा रूम प्रोवाइड की है जिसका साइज है 4 फीट बाय 4 फीट 8 इंच की। और यहाँ पे जो रूम प्रोवाइड किया है ये है बेडरूम, इसका जो साइज है 11 फीट बाय 9 फीट 3 इंच। बेडरूम में हमने एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया है जिसका साइज 4 फीट बाय 7 फीट 2 इंच है। इसके बाद हमने यहाँ पे बाथरूम प्रोवाइड किया है और एक टॉयलेट प्रोवाइड किया है जिसका साइज करीबन 3 फीट 10 इंच बाय 5 फीट का है। और टॉयलेट का जो साइज है वो 3 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का है। तो इस तरह से हमने इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान डिजाइन किया है, सेम प्लान हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाया है। तो इस तरह से इसका हाउस प्लान रहेगा दोस्तों। अब इसका एस्टीमेट देख लेते हैं दोस्तों। 600 स्क्वायर फीट हाउस का एस्टीमेट देख लेंगे जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इंक्लूड है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सकेवेशन की, फिलिंग की, सीमेंट की, स्टील की, टाइल्स की डायरेक्ट अमाउंट बता दूंगा। अगर आप और डीप में देखना चाहते हैं तो आप पुश करके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी कंपनी से किसी भी तरह का कोई डिजाइन बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो एक्सकेवेशन से शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सकेवेशन का जो अमाउंट आ रहा है, एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई, तो इसका जो अमाउंट आ रहा है 7,200 रुपये। ये अगर आप छोटे शहर में है तो वहां का अमाउंट आएगा, अगर आप बड़े शहर से है तो वहां पे अमाउंट 12,000 आएगा। इसके बाद फिलिंग का देखेंगे दोस्तों। फिलिंग यानी जो फाउंडेशन में हम फिल करते हैं, तो इसका जो अमाउंट आ रहा है 10,000 रुपये, ये है छोटे शहर का। अगर आप बड़े शहर से है तो 30,000 के आसपास इसका अमाउंट आएगा। इसके बाद देखते हैं सीमेंट। सीमेंट की जो कॉस्ट आ रही है वो है 1,47,000। अगर आप बड़े शहर से है तो उसकी कॉस्ट 1,47,000 के आसपास ही आएंगी। 10-20 रुपये का थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद स्टील की बात करें तो स्टील हमने ज्यादा हैवी प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्टील की जो क्वांटिटी हमें लग रही है यहाँ पे 3600 kg यानी 36 क्विंटल, तो इसका जो अमाउंट आएगा 1,62,000 आएगा। सेम अमाउंट आपको बड़े शहर में भी आएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सैंड। सैंड यानी होता है रेती। रेती की जो क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 2,000 क्यूबिक फीट, यानी इसका जो अमाउंट आएगा आपको करीब 50,000 के आसपास इसका अमाउंट आएगा। अगर आपके एरिया में रेती अवेलेबल है तो वहां पे रेट थोड़ा कम रहता है, और अगर आप बड़े शहर से है तो वहां पे अमाउंट ज्यादा आएगा, यानी आपको जो रेती लगेंगी करीब 1 लाख के आसपास रेती का अमाउंट आएगा। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है गिट्टी। गिट्टी की जो कॉस्ट आ रही है आपको करीब 42,000 के आसपास इसकी कॉस्ट आएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं रेड ब्रिक्स की। तो रेड ब्रिक्स की जो क्वांटिटी आएंगी करीब 30,000 ब्रिक के आसपास आपकी क्वांटिटी आएंगी इसमें, तो इसका जो अमाउंट आएगा 1,80,000। सेम अमाउंट आपका बड़े शहर में भी रहेगा, 1-2 रुपये का ब्रिक के रेट में फर्क रह सकता है। यहाँ पे जो ब्रिक की क्वांटिटी इसलिए ज्यादा आई क्योंकि हमने पैरापिट वॉल भी ली है इसमें। इसके बाद लेबर कॉस्ट की बात करें तो ये मकान बनाने में आपको कंप्लीट जो कॉस्ट आएंगी, छोटे शहर से है तो 2,40,000, बड़े शहर से है तो 5,40,000। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पुश करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेंगे वेट्रीफाइड टाइल्स के बारे में। वेट्रीफाइड टाइल्स का इसका जो कॉस्ट आ रहा है करीब 24,500 रुपये आ रहा है। यहाँ पे हमने नैनो वेट्रीफाइड टाइल्स प्रोवाइड की है, सेम अमाउंट बड़े शहर में भी रहेगा। देखिए दोस्तों, हम जो एस्टीमेट तैयार करते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वो, तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उनको एस्टीमेट डिजाइन करवा के देते हैं। जैसे किसी का बजट 8 लाख का होता है, किसी का बजट 10 लाख का होता है, किसी का बजट 16 लाख का होता है, तो हम उनको आइडिया प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से उनका एस्टीमेट तैयार होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सेरेमिक टाइल्स जो कि हम बाथरूम में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट आ रही है 21,000 रुपये, सेम कॉस्ट 21,000 रुपये बड़े शहर में भी आएगी। चेकल, चेकल जो हम स्टेयरकेस में प्रोवाइड करेंगे, इसकी जो कॉस्ट आ रही है 7,500 रुपये, सेम कॉस्ट आएंगी बड़े शहर में भी। टाइल फिटिंग चार्ज, टाइल फिटिंग चार्ज यहाँ पे इसका जो कॉस्ट आ रहा है 14,000 रुपये आ रहा है। इसका जो रेट होता है 10 से 15 रुपये के बीच में होता है छोटे शहर में, बड़े शहर में 35 से 50 रुपये स्क्वायर फीट के बीच होता है।
तो अगर आप बड़े शहर से हैं तो 49,000 इसका कॉस्ट आएगा टाइल फिटिंग चार्ज। इसके बाद डोर फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो डोर फ्रेम का जो कॉस्ट आ रहा है 14,400 रुपये। यहाँ पे जो डोर फ्रेम लिए हमने कॉन्क्रीट डोर फ्रेम लिए, ये इसका प्राइस काफी कम होता है। सॉरी यहाँ पे रेट 1200 ही आएगा। इसके बाद बात कर लेंगे दोस्तों एफआरपी डोर के बारे में। तो एफआरपी डोर हमने ग्राउंड फ्लोर में 3 और फर्स्ट फ्लोर में 3 प्रोवाइड किया है, तो इसका जो कॉस्ट आएगा 15,000 रुपये आएगा। दोनों दोनों छोटे शहर से है तो भी 15,000, बड़े शहर से भी है तो भी 15,000। विंडो ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे 6 विंडो ग्रिल प्रोवाइड किए हैं, 3 ग्राउंड फ्लोर पे 3 फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसका जो कॉस्ट आएगा 9,000 रुपये आएगा। इसके बाद बात कर लेंगे स्लाइडिंग विंडो की, तो स्लाइडिंग विंडो भी हमने 3 ग्राउंड फ्लोर और 3 फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइड की है, जिसका कॉस्ट आएगा 26,000 रुपये। सेम कॉस्ट आएगा आपको बड़े शहर में भी। इसके बाद बात कर लेंगे दोस्तों लोड विंडो की, तो लोड विंडो हमने 4 प्रोवाइड किए हैं, 2 ग्राउंड फ्लोर और 2 फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हम टॉयलेट में प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट आएगा 3200 रुपये आएगा दोस्तों। इसके बाद बात कर लेंगे वॉल पेंट की, तो वॉल पेंट का मिनिमम कॉस्ट आपको करीब 40,000 आएगा छोटे शहर से, तो बड़े शहर से है आप तो वहां पे 75,000 के आसपास कॉस्ट आएगा। इसके बाद वाटर टैंक की बात कर लेंगे तो 6,000 रुपये का 1,000 लीटर का वाटर टैंक आएगा, और वही बड़े शहर में भी 6,000 का ही आएगा। इसके बाद प्लम्बिंग की बात करें तो प्लम्बिंग का आपको कॉस्ट करीब 30,000 के आसपास आएगा, वही अगर आप बड़े शहर से है तो 50,000 के आसपास इसका कॉस्ट आएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट करीब 50,000 आएगा छोटे शहर में, बड़े शहर से हैं आप तो 1 लाख के आसपास इसका कॉस्ट आता है। एक्स्ट्रा आइटम जो भी हम लेते हैं छोटे मोटे चीजों में, हमारा एक्स्ट्रा आइटम कुछ पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसका कॉस्ट लिया हमने 30,000, बड़े शहर से तो 50,000। इस तरह से मैं ऑल ओवर कॉस्ट की बात करूं तो 11,49,800 रुपये ये छोटे शहर का कॉस्ट आएगा, जिसका पर स्क्वायर फिट अगर मैं कॉस्ट निकालूं तो 950 रुपये पर स्क्वायर फिट रहेगा। तो अगर आप बड़े शहर से है तो टोटल कॉस्ट जो आएगा वो है 16,84,600 रुपये। तो इसका पर स्क्वायर फिट में अगर हम कॉस्ट निकाले तो वो है 1,400 स्क्वायर फिट। इस तरह से आज का एस्टिमेट कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपका कोई सजेशन हो, आपका कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमारी कंपनी से सर्विस लेना चाहते हैं तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।